Welcome to Education Wave Success Made Easy Ecosystem Part 4. So last ki video mein humne padha tha decomposition aur uske factors ke bare mein jo decomposition ko affect karte hain. If you haven't seen that video, please go and watch it. Now in this video we are going to learn about photo jo topic level hota hai and uske bare mein padhne ja rahe hain. So let's start with the definition part. Now what is trophic level? Trophic level in an ecosystem, हर organism का एक specific place होता है fixed food chain के अंदर. For example, हमेशा humans को consumers ही बोला जाएगा और plants को producers ही बोला जाएगा. तो हमेशा जब भी आप कभी भी कोई graphical representation देखेंगे या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि आपको पता चले कि ये एक food chain है, तो वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि grasses या किसी tree को हमेशा नीचे रखा जाएगा, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ठीक है, फिर उसको जो भी फीड करेगा उसके ऊपर जो भी फीड करते हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे फीड करने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स. तो ये जो नाम दिए गए हैं कि ग्रासेस को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उन पे फीड करने वालों को प्राइमरी कंज्यूमर्स, सो दीज ये जो भी स्पेसिफिक प्लेस जो फूड चेन के अंदर मिली है दैट इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि हर एक लेवल पे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. नाउ व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, एक टर्म है हमारी एनसीईआरटी में विच मीन्स दैट ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम. ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल किसी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आप डेजर्ट लें, कोई डेजर्टी एरिया लें, तो वहां पे प्लांट्स ज्यादा नहीं होते, तो वहां पर प्रोड्यूसर्स कम है. ठीक है, जो मास है प्रोड्यूसर्स का वो कम है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल वहां पे इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज फेवरेबल कंडीशन वहां पे ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे प्राइमरी कंज्यूमर्स काफी ज्यादा हैं, उनका मास ज्यादा है. तो ईच ट्रॉफिक लेवल, हर एक ट्रॉफिक लेवल, चाहे वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की हो, कंज्यूमर्स की हो, सेकेंडरी कंज्यूमर्स की हो, सबका एक सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटीरियल होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम तक. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंडीशन जब अच्छी नहीं है तो यहाँ पे ट्रीज नहीं थे, लेकिन जैसे ही रेन हुई, कंडीशन अच्छी हुई, फेवरेबल हुई, ठीक है, तो वहां पे काफी सारे ट्रीज हुए. तो एक पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम तक नहीं थे लेकिन इस टाइम पर हैं, सो प्रोड्यूसर्स का जो मास है वो चेंज हुआ. सिमिलरली यहाँ पे ये जो टाइम था वो यही डिनोट कर रहा है दैट हर एक ट्रॉफिक लेवल पे अगर आप जब भी पर्टिकुलर टाइम पे देखेंगे तो उनका जो लिविंग मटेरियल का जो मास है वो सर्टेन होता है, दैट इज नोन एज स्टैंडिंग क्रॉप. द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द बायोमास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नंबर इन अ यूनिट एरिया. ऑब्वियसली कि उनका कितना ज्यादा मास है और कितने ज्यादा वो नंबर्स में है एक पर्टिकुलर एरिया पे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज, जो भी प्रोड्यूसर्स, जिन सभी सारे प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रोड्यूसर्स मीन्स जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करें, सो देर आर ऑल ऑटोट्रॉफिक. जितने भी ऑटोट्रॉफिक्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की. तो ये है हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, एग्जाम्पल ग्रास और ट्रीज. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल क्या इंक्लूड करता है, सारे हर्बीवोर्स जो उन प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर फीड कर रहे हैं, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स. इन्हें हमने कौन सा लेवल दिया, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल का. सो दिस इज ट्रॉफिक लेवल. आपको समझ आ रहा होगा इस डायग्राम से कि मैन और लायंस दे आर टर्शरी कंज्यूमर्स, क्योंकि ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इनको दिया गया है, ये टॉप कार्निवोरस होते हैं. एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल बर्ड, फिशेज और वुल्फ्स, जिन्हें हमने सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोला है. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स. नाउ एनर्जी फ्लो, यू ऑल नो दैट कि हमने फूड चेन पढ़ा है, फूड वेब पढ़ा है. फूड चेन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर चेन चल रही होती है, स्ट्रेट लाइन. फूड वेब में बहुत सारी फूड चेन्स आ जाती हैं. जब भी फूड चेन, अगर आप कहीं पर भी आप फूड चेन देखते हैं तो वहां पे एक एनर्जी का फ्लो हो रहा होता है. ये एनर्जी फ्लो क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट. सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ.
क्योंकि वी आर टोटली, कम से कम जितने भी हमारे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर्स पे. और जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं लाइक ग्रासेस, ट्रीज, इन सभी को सन की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए. सो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में. जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमन हूँ एंड फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ह्यूमन है और वो ओनली वो नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है. सो मान लीजिए कि उसे वो इंटरेस्टेड है फिशेज में, तो फिशेज किसको किसके ऊपर फीड करती हैं, मान लीजिए इंसेक्ट्स को. वो इंसेक्ट्स कहीं ना कहीं किसी और चीज़ पे फीड करते होंगे, जो करता होगा फीड ग्रासेस या फिर ट्रीज पे, ठीक है. सो इनडायरेक्टली वो जो फिश है, वो जो फिश है वो किसके साथ डायरेक्ट या फिर किसके साथ बिलोंग कर रही है, प्रोड्यूसर्स के साथ. तो सन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का हमारे इकोसिस्टम में अर्थ के ऊपर, एक्सेप्ट जो हमारे डीप सीज होते हैं जहाँ तक सूरज की रोशनी पहुँच नहीं पाती, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम. बस उस इकोसिस्टम को छोड़ के अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम है वहाँ पे सब में सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी. लेस देन 50% ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, जो रेडिएशंस जो हमारी जो सोलर रेडिएशंस है जिनसे हम फोटोसिंथेसिस जिनका यूज हम फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकते हैं, एंड इट इज लेस देन 50%. जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस होती है उससे भी कम हम उनको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस. एंड प्लांट्स इसका सिर्फ 2-10% ही कैप्चर करते हैं, और इस स्मॉल एनर्जी को वो अपने पूरे फूड को प्रोड्यूस करने में यूज करते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. एंड दिस फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल. फॉर एग्जाम्पल किसी लीफ के ऊपर अगर, मान लीजिए किसी लीफ के ऊपर किसी या फिर किसी ग्रास के ऊपर अगर किसी ने भी एनिमल ने फीड किया, उस एनिमल पे अगर ह्यूमन ने फीड किया, तो यहाँ से एनर्जी का ट्रांसफर इस इंसेक्ट में हुआ, फिर इस एनिमल से या फिर ह्यूमन में हुआ, ठीक है. तो एनर्जी का ये जो फ्लो है दिस इज यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा, ना कि ये बैकवर्ड फ्लो हो सकता. सो हियर यू कैन सी दैट सन से यहाँ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो प्लांट्स थे, फिर इन पे किसने, हर्बीवोरस ने फीड किया जो इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फिर सेकेंडरी कंज्यूमर जिन्हें हमने थर्ड ट्रॉपिक लेवल दिया है, कार्निवोरस ने इसके ऊपर फीड किया, ठीक है. फिर इसके ऊपर फोर टर्शरी जिन्हें हमने टर्शरी कंज्यूमर्स बोला, टॉप कार्निवोरस ने इनके ऊपर फीड किया. तो एनर्जी का फ्लो जो हुआ वो यहाँ से प्लांट्स में, प्लांट से फिर इसमें, यहाँ से फिर बर्ड में, फिर बर्ड से यहाँ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे, ठीक है. तो एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल. एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ये याद रखिएगा. नेक्स्ट इज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फूड. फूड के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है. वो आपने अभी देखा कि जितना भी एनर्जी थी हमने फूड से ली, वहाँ से यहाँ, यहाँ से ह्यूमंस में, फिर ह्यूमन ने उस एनर्जी का यूज़ अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ किया. एंड दिस इज़ कोरिलेटेड टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि जो एनर्जी है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है. सो इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यहाँ पे एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई, ना ही डिस्ट्रॉय हुई, ना ही क्रिएट की गई. नाउ द ग्रीन प्लांट्स इन द इकोसिस्टम विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी, वो केमिकल बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं. जैसे कि आपने वो रेस्पिरेशन का आपने देखा होगा, या फिर फोटोसिंथेसिस की आपने वो देखी होगी, केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम सनलाइट जो एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं केमिकल फॉर्म में. सो सिमिलरली ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल बॉन्ड एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. ये काम सिर्फ प्रोड्यूसर्स का ही है. एंड ऑल द एनिमल्स जो कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दे आर कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स को भी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस स्लाइड. सो अभी इतना ज़्यादा डिस्कस करने की इसे ज़रूरत नहीं है कि ये फीड करते हैं प्लांट्स पे, सेकेंडरी फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं
टर्शरी कंज्यूमर्स किस पे फीड करते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे। एक लेनमैन थे जिन्होंने एक लॉ दिया था विच वॉज नोन एज 10% लॉ, जिसमें ये कहा गया था कि जब भी आप किसी फूड चेन में हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन से प्लांट में आई एनर्जी, प्लांट से वो किसी इंसेक्ट ने, जिस भी इंसेक्ट ने उस प्लांट के ऊपर फीड किया उसमें आई, फिर उस इंसेक्ट से किसी बर्ड में, और फिर उस बर्ड से किसी ह्यूमन में, मान लीजिए ठीक है। नाउ सन में जितनी भी एनर्जी थी सिर्फ 10% ही प्लांट उसको ऑब्जर्व करेगा या उसमें ट्रांसफर होगी, और फिर प्लांट से सिर्फ 10% ही इंसेक्ट के अंदर ट्रांसफर होगी, फिर इसका भी 10% जब आप करेंगे तो बर्ड में ट्रांसफर होगी, फिर बर्ड से भी सिर्फ 10% एनर्जी ही ह्यूमंस में ट्रांसफर होगी। तो जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारी जो 10% एनर्जी है वो आगे बढ़ती जाएगी और कम होती जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप 10% का 10% करेंगे तो वो कम हो गई, फिर उसका भी आप 10% करेंगे तो भी कम होगी, तो जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे ही एनर्जी का फ्लो कम होता जाएगा। सो एट ईच फूड स्टेप ऑफ फूड चेन फूड एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल हायर, एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, एंड दिस इज कॉल्ड 10% लॉ व्हिच वाज गिवन बाय लेनमैन इन 1942। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड? जब आप इन ट्रॉफिक लेवल को किसी पिरामिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो दैट विल बी नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड जो हैं इसलिए बनाए गए ताकि आप किसी भी फूड चेन को एक पिरामिड शेप में बना सके, और फिर हम उसे देख के ये पता लगा सके कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इनका नंबर कितना है, इनका बायोमास कितना है, या फिर इनकी एनर्जी कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर, कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ द बेस ऑफ पिरामिड इज ब्रॉड, बहुत ज़्यादा बेस जो होगा जिसमें हम हमेशा प्रोड्यूसर को रखते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, एंड इट नैरोज डाउन और नैरो होता चला जाएगा जैसे जैसे आप एपेक्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर्स, हमेशा प्रोड्यूसर्स यहाँ पे होते हैं ट्रॉफिक लेवल पे, और एपेक्स पे हमेशा टर्शरी या फिर टॉप लेवल कंज्यूमर्स होते हैं। अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम, एंड दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर एक इकोसिस्टम के अंदर जो गिवन स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बर्ड को सेकेंडरी जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर बोला है तो वो कहीं और स्टे नहीं करेगा, वो हमेशा ही सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा, ऐसा नहीं है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस हैं, हम हमेशा अगर देखा जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा कि ग्रास थी यहाँ पे, इस ग्रास के ऊपर किसने, गोट ने फीड किया, फिर गोट को हमने किल करके ह्यूमन ने फीड किया ठीक है। नाउ ह्यूमन यहाँ पे मान लीजिए टॉप क्या है, टॉप यहाँ इस पूरे फूड चेन के अंदर जो हमारा ह्यूमन जो है वो हमारा टॉप लेवल कंज्यूमर है ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और चीज की बात करूँ कि अब ह्यूमंस को भी लायन ने फीड किया, तो यहाँ पे ह्यूमन क्या हो जाएगा, टॉप लेवल कंज्यूमर ना हो के हम इसको बोलेंगे टर्शरी, क्योंकि टॉप लेवल तो अब लायन हो गया, तो यहाँ पे ये टॉप लेवल भी बन गया, टर्शरी भी बन गया। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपने वो फूड चेन कैसी ली है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर, जब वो सीड के ऊपर फीड कर रही है, अगर कोई ट्री था और उसके ऊपर कोई फ्रूट था और स्पैरो आई और उसने उस फ्रूट को ईट किया या सीड को ईट किया ठीक है, तो वो क्या बनी, प्राइमरी कंज्यूमर। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन वो प्राइमरी कंज्यूमर तब नहीं होगी जब वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करेगी। मान लीजिए उसने कोई इंसेक्ट या वॉर्म फीड किया, क्योंकि वो फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगी, क्योंकि उसने उस वक्त प्लांट पे फीड ना करके उसने किसी प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट कि एक ही स्पीशीज किसी ट्रॉपिक लेवल पे डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स भी उसको मिल सकते हैं, मतलब वो प्राइमरी कंज्यूमर भी बन सकती है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी उसको दे सकते हैं हम ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। नाउ द थ्री इकोलॉजिकल पिरामिड्स, तीन इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं,
दैट आर यूजुअली स्टडीड, जो कि हम यूजुअली स्टडी करते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, जिसमें हम नंबर देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स का नंबर कितना है, कंज्यूमर का कितना है, बायोमास का पता लगाते हैं कि प्रोड्यूसर्स का बायोमास कितना है, एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी जो कि हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है. सो ये तीन पिरामिड्स हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द पिरामिड ऑफ नंबर. द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स इन टर्म्स ऑफ नंबर. जब आप कोई पिरामिड बना रहे हैं जिसके अंदर हमने प्रोड्यूसर्स लिए हैं और कंज्यूमर्स लिए हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को आप शो कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड, लेकिन नंबर्स की फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, ये पिरामिड प्रोड्यूसर्स का 3000 थे, फिर कितने कंज्यूमर्स आए, 200 कंज्यूमर्स आए प्राइमरी, फिर 10 टर्शरी कंज्यूमर्स, ऐसे जैसे आप नंबर्स बता रहे हो वो होता है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जब आपने प्राइमरी कंज्यूमर बताया तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये 33,000 थे, या फिर मिलियंस लिख लीजिए. इसके ऊपर कितने सनलाइट से, यहाँ पे मान लीजिए कि 33,000 प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, 22 और 4 इसके ऊपर फीड करे थे प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आए यहाँ पे 1200, फिर वो है हमारे 20 कंज्यूमर्स. तो यहाँ पे जब आप नंबर्स की फॉर्म में शो करेंगे तब क्या होगा आपका, वो पिरामिड ऑफ नंबर. इग्नोर दिस 10J 100J, ठीक है, जूल है, दिस इज शोइंग एनर्जी, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट शोइंग इट कि आप नंबर्स जब आप शो करेंगे पिरामिड के अंदर तब वो होगा हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है. सो दिस इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने, ये जो इंसेक्ट था, इसने एक प्लांट के या फिर फ्लावर के ऊपर फीड किया. अब सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने एक इंसेक्ट के ऊपर क्या किया, फीड किया. अब इसने इस सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड किया, जो कि यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर था, इसी के ऊपर फीड किया, तो इट इज नोन एज टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है. और जैसा कि लिंडमन ने बोला, यहाँ पे सनलाइट से 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता ही सकती हूँ, एनर्जी भी आप इसी में समझ लीजिए. यहाँ से 10% जब आपने यहाँ से क्या किया, तो इसका 10% कितना हुआ, यहाँ पे आप इसका 10% कम होता चला जा रहा है, यहाँ पे इसका 10%, एंड देन 10 जूल फाइनली, ठीक है. सो इसको और भी अच्छे से हम डिटेल में समझेंगे, बट आगे अभी आपको पिरामिड ऑफ नंबर पे ध्यान देना है. नाउ थैंक यू सो मच. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन हेल्प मी, एंड लाइक करिएगा एंड कमेंट करिएगा. थैंक यू सो मच, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो.